नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सिंह एक बार फिर से आप सभी का एमएलएम विद ब्राइट फ्यूचर में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रोडक्ट डेमो की वीडियो के अंदर जो सेकंड पार्ट है, आज हम इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट का डेमो, जिसका नाम है आईजीटी गैस सेफ्टी डिवाइस। आपने इसके बारे में काफी कुछ सुना होगा दोस्तों, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आए दिन, अखबारों में आए दिन, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर आए दिन तमाम गैस हादसों के बारे में पता चलता है आपको। क्या आपने कोई ऐसी सेफ्टी ले रखी है जिससे आप सुनिश्चित कर सकें कि आपके घर में ये गैस से होने वाले हादसे किसी तरीके से नहीं होंगे? दोस्तों, आज दुनिया के अंदर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने ऐसी चीज़ का आविष्कार कर रखा है कि गैस से होने वाले जो हादसे हैं आप उनको टाल सकते हैं और अपने परिवार को, जिनके लिए आप दिन रात भाग रहे हैं, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को, उनके फ्यूचर को और ब्राइट कर। दोस्तों तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये आईजीटी गैस सेफ्टी डिवाइस काम करता है और इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी आईजीटी गैस सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नए व्यक्ति जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो से जान सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारी जान को बचाता है, किस तरीके से हादसों को टालता है। दोस्तों ये ब्राइट फ्यूचर का आईजीटी गैस सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपके नॉर्मल आम रेगुलेटर से थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर जो इनबिल्ट मैनोमीटर है वो इंडिकेट करके साफ साफ बता देता है कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस बाकी है, हफ्ता, 10 दिन, 24 घंटे, कितनी देर चलेगा आपका सिलेंडर, उसके बारे में आपको सीधे सीधे इंडिकेट कर देता है। इसके अंदर जो ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं वो इंडिकेट ये करता है कि आपका सिलेंडर फिट है, यूज करने लायक है, और जो यहाँ पे रेड कलर का जो आपको साइन दिख रहा है वो इंडिकेट करता है कि सिलेंडर के अंदर जंग लगा है या फिर उसमें लीकेज है या कुछ खराबी है। दोस्तों, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो इसका बटन है उसको आपको प्रेस करना है, और इसको प्रेस करने के बाद सेफ्टी कैच में जैसे आप नॉर्मल रेगुलेटर लगाते हैं उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। इसको ऐसे फिट कर दिया और आप इसको चेक कर सकते हैं कि वाकई लग गया नहीं लग गया। इसको ऑन करना और भी आसान है, आपको केवल नॉब को ऊपर की तरफ टर्न करना है। ऊपर की तरफ टर्न करते ही आपको यहाँ से दो बार प्रेस बटन करना है, रीसेट बटन को प्रेस करना है, जिससे क्या होगा गैस आपकी निकलने लग जाएगी और सिलेंडर तक और गैस स्टोव तक पहुंच लग जाएगी। अब दोस्तों, मैंने गैस ऑन कर दी है। गैस ऑन करने के बाद मैंने क्या किया, माचिस से इसको जलाया। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ दोस्तों, काफी देर ऑन रहने की वजह से हो सकता है इसमें काफी सारी गैस निकली हो। अब अगर नॉर्मल रेगुलेटर होता तो ये गैस को क्या करता, कैच कर लेता, और यहां तक अगर गैस निकली होती तो ये गैस को काफी एक्सप्लॉइटेड वे में कैच करता। यहां पे क्या होगा, मैं जब तक बर्नर के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा तब तक ये जलेगा नहीं, और ये क्या होगा नॉर्मल वे में जलेगा। दोस्तों, अगर जलते जलते कभी ऐसा हो जाता है, जलते जलते क्या होता है कि अगर हमारा पाइप चूहे ने काट दिया या कहीं से कुछ पाइप में क्रैक आ जाते हैं खाना लगने की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए और ये पाइप निकल जाता है, और जैसे ये पाइप निकलेगा तो क्या होगा, फायर कैच होगी और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे परिवार में हमारी माताएं बहनें दिन में शायद 24 घंटे इसी सिलेंडर के आसपास रहती हैं। क्या हम उनकी सेफ्टी के बारे में जरा सा भी सोचते हैं? अगर सोचते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है अगर एक सेकेंड के लिए भी ये गैस ऑन रह जाती है तो, और ऐसे एक्सप्लॉइट होता है तो। ये देखिएगा दोस्तों, ये एक सेकंड के लिए, मात्र एक सेकंड के लिए मैंने इसको ऑन किया और वहां पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन की तरह हो रहा था। अगर बड़े बड़े जो हादसे होते हैं, जो गैस खुली छूटने की वजह से हो जाते हैं, उसमें लाखों जिंदगियां इसी वजह से चली जाती हैं दोस्तों, कि ये क्योंकि उन्होंने अपने घर पे ये चीज नहीं लगाई होती है। ये ना केवल अपने आपके परिवार को सेफ रखता है बल्कि उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है कि गैस से होने वाले किसी भी हादसे, हो सकता है आपने गैस खुली छोड़ दी दूध रख करके, आप किसी काम में बिजी हो गए, गैस खुली रह गई, उसकी वजह से बर्नर के ऊपर कुछ भी चीज़ गिरेगी तो क्या होगा, बर्नर के ऊपर कुछ भी चीज़ गिरेगी तो बर्नर, तो गैस तो ऑन रहेगी, बर्नर ऑफ हो जाएगा और गैस आपके एनवायरनमेंट में फैलती रहेगी। स्विच ऑन करने की वजह से या हल्का सा छोटा सा भी स्पार्क, हो सकता है लाइटर ऑन कर दिया आपने आते ही, उस छोटे से स्पार्क से भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। चॉइस आपकी है, अपने परिवार को आप 10,000, 5,000 के अंदर, अपने परिवार के अंदर ये सेफ्टी लेकर के आएँ, अपने परिवार को बचाएं, या फिर आप इसको अवॉइड करें। और जो इसकी खूबी ये है कि ये 10-15% तक की गैस बचाता है। मतलब अगर आपका सिलेंडर 30 दिन तक चल रहा था तो अब वो 35 से 40 दिन तक चलेगा। दोस्तों, अगर आपका 30 दिन अगर आपका एक सिलेंडर चलता है तो इसका मतलब आप साल के अंदर 12 सिलेंडर रिप्लेस करते हैं, और अगर 35 से 40 दिन चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 सिलेंडर लगेंगे। वहाँ पे 600-700 रुपये के हिसाब से देखा जाए, एक साल के अंदर आप 2,000 रुपये तक सेव करते हैं, जो कि इस प्रोडक्ट की अपने आप में खूबी है।
आप अपने घर में कुछ भी चीज लेकर के आए हो, चाहे टीवी लेकर के आए हो, चाहे एसी लेकर आए हो, चाहे गाड़ी लेकर के आए हो, वो हमेशा पैसे ही और बढ़ाती है आपके, आपकी जेब से और खर्च बढ़ा देती है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके खर्च को और बचा देती है। इस हादसे की वजह से अपने परिवार को खो देते हैं, वो अपने परिवार को वापस तो नहीं लेके आ सकते, पर अगर 10,000 रुपए खर्च करके अपने परिवार के अंदर ये चीज लगाते हैं तो अपने परिवार को ना केवल सेव करते हैं बल्कि उनको सिक्योर करते हैं। दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर के लाइफ सेविंग प्रोडक्ट इस IGT गैस सेफ्टी डिवाइस की 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। आप डायरेक्ट कंपनी से भी बात कर सकते हैं जो आपको रिप्लेस करके नया देंगी, या फिर जिस व्यक्ति के थ्रू आपने इस प्रोडक्ट को लिया है आप उससे कॉन्टैक्ट करके रिप्लेस करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपनी टीम के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने फैमिली को, अपनी लाइफ को और अपने परिवार को, अपनी माताओं, अपनी बहनों को 24/7 प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में शायद हमारी माताएं बहनें, हमारी जो फीमेल लोग हैं, वही ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, किचन के अंदर रहते हैं 24/7। उनकी ज़िंदगी है तो हमारा परिवार है, उनके बिना हमारा परिवार अधूरा है। उनके लिए एक बार इस चीज़ को अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।